गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बहुत ही प्यारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म क्या होता है? परफेक्शनिज्म है कि कोई भी चीज़ को करने की कोशिश करना फ्लॉलेसली, और ऐसे अपने लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट कर देना एंड एम करना कि आप जब भी कुछ करो परफेक्टली करो, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता है। जो अर्ज है परफेक्शनिस्ट होने की, जो स्टैंडर्ड्स हम हमारे लिए सेट कर देते हैं, वो आपको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि जो डिज़ायर है आपकी कि हर चीज़ जो भी आप करें परफेक्शन के साथ करें, बहुत सारी चीज़ें आप करते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप परफेक्टली नहीं करेंगे तो आप कर ही नहीं सकते हैं या करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी ओरिजिन एंड रूट कॉज क्या है परफेक्शनिज्म का? हो सकता है कि आपके बचपन में कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो, या कोई ऐसा क्रिटिसिज्म हो, या आपकी कंपटीशन ऐसा हो, कंपैरिजन हो, कि आपको हमेशा बेस्ट ही दिखना था या बेस्ट ही बिहेवियर करना था अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के लिए या उनकी खुशी के लिए, या फिर आपका क्लास में ऐसा माहौल था या आपके दोस्त ऐसे थे कि आपको हर कुछ परफेक्टली करना है। क्योंकि ये अचानक से शुरू नहीं होता है, ये जो बीमारी है बचपन से ही शुरू होती है। बीमारी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये आपकी खुशी को, इनोसेंस को और हर चीज़ को करने की जॉय को छीन लेता है। परफेक्शनिस्ट होना बुरी चीज़ है भी नहीं भी, बट ओवरली इसी चीज़ पे ध्यान देना बुरा है। अभी डार्क साइड इसकी क्या हो सकती है? परफेक्शनिस्ट होना आपकी स्ट्रेस को बढ़ा देता है, एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देता है, और आप बहुत ही ज़्यादा बर्नआउट फील करते हैं क्योंकि आप माइक्रो मैनेज करते हैं चीज़ों को। आपको हर पिद्दी चीज़ में परफेक्शन चाहिए और आप बड़ा चीज़ नहीं देख पाते हैं, और आपको फियर लगता है फेलियर से, आप प्रोसेस को इंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप प्रोसेस को इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो अचीवमेंट का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि एक्चुअल में इंजॉयमेंट प्रोसेस में होती है। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहाँ पे पहुंचने से ज़्यादा मज़ा आपको रास्ते का आता है। अभी इसके साथ क्या किया जाए? अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, डरने की बात नहीं है, आप अपने आप को हील कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जो मुझे भी हेल्प कर रही है मेरी जर्नी में ओवरकम करने के लिए परफेक्शनिज्म, बिकॉज मैं भी वन ऑफ दोज हूँ। सेल्फ कंपैशन करें एंड ऐसे थॉट्स क्रिएट करें कि जैसे भी आप चीज़ें करते हैं इट्स गुड इनफ, कोई भी चीज़ को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और आप ग्रिप मत बनाएं परफेक्शनिज्म पे। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि परफेक्शनिज्म के कॉन्स क्या हैं। परफेक्शनिस्ट होना आपके रिलेशनशिप्स को भी सफ़र कराता है, क्योंकि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, सेल्फ एस्टीम पे काफ़ी ज़्यादा हिट होता है इससे, इम्पल्सिव हो जाते हो आप, एंड आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत हार्म होती है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी है, एंड आप फेलियर के डर से अच्छी चीज़ें क्रिएट नहीं करते हो, एंड आप रिस्क लेने से डरते हैं कि अगर परफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। अभी अगर आप अपने आप को हील करके ब्रेक फ्री कर लें परफेक्शन से, आप ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, प्रोसेस को इन्जॉय कर पाएंगे, एंड जो ये परफेक्शन का इल्यूजन है इससे थोड़ा दूर हो पाएंगे, एंड फोकस करेंगे प्रोग्रेस पे, लाइक प्रोसेस एंड प्रोग्रेस पे, नॉट परफेक्शन पे। अभी मुझे क्या चीज़ें हेल्प कर रही है मैं आपको बताती हूँ। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड सपोर्ट। जब आपको लगता है कि ये चीज़ आपको हार्म कर रही है, आपकी निजी ज़िंदगी को या डेली के रूटीन्स को हार्म कर रही है, तो आप बुक्स पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं कि मैं इससे कैसे हील करूँ अपने आप को। सीकिंग सपोर्ट इज़ हेल्पिंग यू, लाइक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी काइंड ऑफ हेल्प है। एंड अपने लिए रियलिस्टिक किस्म के गोल्स बनाएं, जो कि अगर गलतियां भी हों तो गलतियों से सीखते जाएं। हर टाइम आपको परफेक्ट होने की और आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तुमने सही तरीके से नहीं किया। अभी कंक्लूजन क्या है कि अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करें। ये याद रखें कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। परफेक्शनिज्म में भी कंपेनियन रहा है आपका लॉन्ग टाइम से, बट ये आपको डिफाइन नहीं करता है। आप इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करें, सेलिब्रेट करें प्रोसेस एंड प्रोग्रेस को, एंड उसकी जॉय को फील करें। तो मैं आपके साथ हूँ आपके सारे ये प्रोसेस में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप परफेक्शनलिस्ट हैं
तो आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। अभी एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये जो एडवाइस मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड या जो भी मैंने रिसर्च की है। एंड अगर आप इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आपका ये स्ट्रगलिंग आपको लगता है कि या बहुत आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को रूइन कर रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर करें किसी अ प्रोफेशनल की गाइडेंस। आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं या काउंसलर्स से। सो यस, मैंने अपने विचार आपके साथ शेयर किए हैं। ओके दोस्तों, मेरे पास है ये नया गाय, ये है इनफिनिटी प्रो कॉनियर से। जो मेरा पुराना था रेवलॉन वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर वो जल गया जब हम गए थे सदगुरु के आश्रम में कोयंबटूर। तो मैंने उस आश्रम में वो ड्राई करने की कोशिश की, वो बर्न हो गया। तो यहाँ पे आके मैं लेना चाहती थी, पर वो $70 का हो चुका है, बहुत एक्सपेंसिव। एंड ये मुझे मिला है कॉस्को से अच्छे प्राइस पे, आई थिंक ये भी 60 के अराउंड है, पर 40 में मिला मुझे क्योंकि कोई सेल चल रही थी, तो मैंने ले लिया। और कॉस्को ऐप का ऐसे है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आप वापस कर सकते हैं, पर ठीक है, इससे मेरा अच्छा टाइम पास हो रहा है क्योंकि इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलती। मेरे बालों में बहुत वॉल्यूम है, कर्ली है, और जब मैं ब्लो ड्राई करके उनको स्टाइल ही ना करती हूँ तो बहुत अजीब लगते हैं। दैट्स अ स्टोरी अबाउट मी ब्लो ड्राइंग माई हेयर। इसके बारे में मेरे विचार क्या हैं, ये अच्छा है, अच्छा काम करता है, जो भी आपको चाहिए वो सक्सेस हो रहा है। तो जो रेवलॉन का वन स्टेप एयर ड्रायर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज़्यादा बेटर काम करता है, बट आई एम ओवरऑल हैप्पी विद व्हाट आई हैव। दैट्स द स्टोरी अबाउट माई हेयर। जब मेरे हेयर उलझे होते हैं तो मेरी ज़िंदगी भी उलझ जाती है। जितने मेरे बाल थोड़े मैनेज होंगे, आई एम गोना फील मच बेटर, आई एम गोना फील हैप्पी। आई डोंट नो, अलग से एनर्जी आ जाएगी कोई। सो जल्दी से ब्लो ड्राई कर दो, उसके बाद थोड़ा स्ट्रेट कर, 5 मिनट का स्ट्रेट करेंगे क्योंकि इसके बाद ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे बाल ऑलरेडी ड्राई हैं, इसको मैं सिर्फ थोड़ा शाइन के लिए यूज़ करती हूँ एंड इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। Styling my hair, am I happy? Not right now, because थोड़ी humidity की वजह से ना बाल थोड़े smooth नहीं हैं, थोड़ी देर में हो जाएंगे। So आपके साथ मैं कुछ share करना चाहती थी, क्या है वो मुझे भी नहीं पता। So कल हमारे घर का garbage bin जाएगा, bin pick करने वाले आएंगे, collection वाले। Is it interesting for you? No, it's not. So थोड़ी cleaning करके आई हूँ and I'm feeling like I'm gonna get allergies because मेरा वद्या cleaner नहीं, मैंने गंदा क्लीनर यूज़ किया है, तो मैं खाऊंगी मेरी एलर्जी की मेडिसिन, जो कि मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, जस्ट जिस दिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसी दिन खाऊंगी एंड एक गोली खा लेते हैं। ये बॉटल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, ये हमने कॉस्को से ली थी एंड इसमें पानी बहुत लंबा समय तक ठंडा रहता है एंड गर्म रहता है। सो हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि आज जो वो करेंगे ग्रास दी कटिंग, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल गाय है एंड वो सारा काम खुद ही करते हैं। मास्क तो दबा के बैठ गया, जमाने की प्रॉब्लम। प्यारी मास्क क्यों पाया, मेरे भी चढ़ता ही गा, तो फिर मैं गोली खा दी। हस्बैंड ग्रास नू बिन च पाते हुए
साग ही साग बन गया। This is responsible husband. ए हिम्मत, नो हस्बैंड कर रहे हैं ग्रास दी कटिंग एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्पेंड टाइम विद हिम क्वालिटी टाइम बट इट्स टू नॉइजी एंड हाँ बहुत क्राउड रहा है तो मैं अंदर जाने वाली हूँ। मैंने सोचा कि पति ने थोड़ा लाइक कल्ले नहीं छटते हैं बेचारे को पर सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे ज़रूर से बताना दोस्तों आपके क्या विचार है परफेक्शनिज्म के बारे में या फिर आपको चिंता नहीं होती है परफेक्ट होने की। अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छा है, आपके सिर से फ्यू एक चीज़ हट गई है। आपको नई वीडियो में मिलती हूँ मैं जल्दी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, लालू।